दीपावली के तीसरे दिन यानी कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया को जहां देश भर में भाई दूज का पर्व मनाया जाता है, वहीं इस दिन चित्रगुप्त महाराज की भी पूजा का विधान है। यम द्वितीया को मनाया जाने वाला ये पर्व कलम दवात की पूजा के नाम से भी प्रचलित है। हिंदू धर्म में चित्रगुप्त जी की पूजा का विशेष महत्व है। चित्रगुप्त महाराज को देवगण का लेखपाल यानी मनुष्यों के पाप पुण्य का लेखा जोखा करने वाला माना गया है। इस दिन नई लेखनी या कलम की पूजा होती है। व्यापारी या कारोबारी वर्ग इसे नव वर्ष प्रारंभ के तौर पर भी देखते हैं। मान्यता है कि इस दिन व्यापारी वर्ग कलम से कागज पर अपनी सालाना आय लिखकर एक मंत्र के साथ वो कागज चित्रगुप्त महाराज के पास रख देते हैं। उसके बाद पूरी पूजा विधि अपनाई जाती है और आरती और विशेष प्रसाद के साथ ये चित्रगुप्त पूजा सम्पन्न होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने चित्रगुप्त महाराज को उत्पन्न किया था। ब्रह्मा जी की काया से उनका उद्भव होने के कारण उनको कायस्थ भी कहते हैं। चित्रगुप्त भगवान से ही कायस्थ वर्ग की उत्पत्ति हुई है। भगवान चित्रगुप्त को देवलोक धर्म अधिकारी भी कहा गया है। इसके साथ ही इनका संबंध लेखन कार्य से भी है। इसी कारण इस दिन कलम और दवात की पूजा की जाती है। भगवान चित्रगुप्त ज्ञान के देवता है। भगवान चित्रगुप्त को यमराज का सहायक देव माना जाता है। यमलोक के राजा यमराज को कर्मों के आधार पर जीव को दंड या मुक्ति देने में कोई समस्या ना हो, इसलिए चित्रगुप्त भगवान हर व्यक्ति के कर्मों का लेखा जोखा लिखकर यमदेव के कार्यों में सहायता प्रदान करते हैं। चित्रगुप्त पूजा करने से साहस, शौर्य, बल और ज्ञान की प्राप्ति होती है। साथ ही यमराज की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। जिससे नर्क यातना का भय समाप्त होता है। इस वर्ष भाई दूज, चित्रगुप्त पूजा और कलम दवात पूजा 27 अक्टूबर गुरुवार को होगी। इंडिया पब्लिक खबर की तरफ से आप सभी को भाई दूज और कलम दवात पूजन की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।